शाबाद तहसील के मीटिंग हॉल में एडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता ने राजस्व कर्मियों की मीटिंग ली। कल तहसील शाबाद में राजस्व कर्मियों को दिशा निर्देश देने के लिए जिलाधिकारी अंजान्या सिंह को आना था, लेकिन किसी कारणवश जिलाधिकारी नहीं आ पाए। उनकी जगह पर आज एडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता पहुंचे और उन्होंने जिला अधिकारी के निर्देशों से सभी राजस्व कर्मियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटवाए जाएं। ये जो आपकी मीटिंग हुई है, क्या मामला है? जिलाधिकारी महोदय का जो निर्देश है, हम लोग इस समय जो कार्य संस्कृति है, उस कार्य संस्कृति को जिसमें शासन की जो मंशा है और जो प्रशासन चाहता है, जनहित के जो कार्य होने हैं तथा जो अवैध अतिक्रमण है उनको हटाए जाने की जो कार्यवाही होनी है, इन सब पे जो जिलाधिकारी का व्यू है उससे इसलिए लोगों को परिचित कराया जा रहा है ताकि लोगों को ये मालूम हो जाए कि जनहित के क्या कार्य हम चाहते हैं, हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं, शासन के क्या निर्देश हैं, उनके बारे में लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं और 15 दिन का समय दे रहे हैं। 15 दिन के अंदर इनको अतिक्रमण से संबंधित, अवैध अतिक्रमण से संबंधित अपना रजिस्टर तैयार कर लेना, उसकी कार्रवाई चिन्हित कर लेनी है और प्रत्येक तहसील प्रशासन को, विशेष करके सार्वजनिक उपयोग की भूमियाँ हैं, निष्कांत संपत्ति है, सत्व संपत्ति है, नजूल की भूमि है और जो हमारी मिल्कियत सरकार की है, राज्य सरकार की भूमियाँ हैं, इनको चिन्हित करके इनको खाली कराने की प्राथमिकता लेनी है। देखा जा रहा है कि जनपद रामपुर के प्रशासन अतिक्रमण हटाने में ज्यादा है, लेकिन कहीं देखा जाए जहाँ तालाब है वहाँ तालाबों को बहुत ज्यादा कब्जा किया हुआ है उस तालाब क्षेत्र में। वो तालाब जो है सार्वजनिक अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई, उसमें तालाब भी शामिल है, केवल तालाब ही नहीं है। हम लोगों की प्राथमिकता तालाब है, तालाब इसलिए प्राथमिकता है करने के लिए कि पानी का जो दोहन होता है और पानी का जो हमें स्टेटा चाहिए उसके लिए तालाब है, लेकिन साथ ही साथ अन्य जो हमारे सार्वजनिक उपयोग की भूमि, जैसे पस्टर की भूमि है, चरागाह की भूमि है, उन पर भी हमारी नज़र है। Thank you.